दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत जिला कोरिया के बारे में। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आप कोरिया जिले की कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आप आसानी से जान सकेंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमने इस वीडियो में MCB यानी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले को भी शामिल किया है क्योंकि ये जिला अभी अस्तित्व में नहीं आया है। लेकिन आप लोगों को इस जिले की वीडियो चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मेरे दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। कोरिया छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा संभाग में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जिला है जिसे 25 मई सन 1998 में सरगुजा जिले से विभाजित कर एक नया जिला बनाया गया था जिसे 638 गांव, 286 ग्राम पंचायत, 6 ब्लॉक और 8 तहसीलों में बांटा गया है। वही तहसीलों में बैकुंठपुर तहसील, चिरमिरी तहसील, मनेन्द्रगढ़ तहसील, पटना तहसील, भरतपुर जनकपुर तहसील, सोनहट तहसील, खटगवां तहसील और केलहारी तहसील शामिल है। इसके अलावा कोरिया जिला सूरजपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा और मध्य प्रदेश के जिलों से घिरा हुआ है। वहीं कोरिया जिले से ही हसदेव नदी निकलकर बहती है जो कोरबा एवं चांपा शहर से होते हुए महानदी में मिल जाती है जिसका उद्गम स्थल सोनहट के कैमूर पहाड़ी से हुआ है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला जिला कोरिया जिला ही है जो मध्य प्रदेश राज्य से साझा करती है। इसके अलावा कोरिया जिले का सबसे बड़ा नगर चिरमिरी नगर है जो सरगुजा संभाग का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। और तो और दोस्तों कोरिया भारत का एकमात्र ऐसा जिला भी है जो दुनिया में स्थित तीसरा कोरिया कहलाता है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे पहले कोयले की भंडार सन 1924 में झगराखंड कोरिया जिले से ही पाया गया था। इतना ही नहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कोरिया जिले में ही स्थित है जिसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों अमृतधारा जलप्रपात कोरिया जिले की मनेन्द्रगढ़ तहसील में स्थित है जिसे छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा चित्रकूट कहा जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के किसी अन्य जिलों के मुकाबले कोरिया जिले में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है जो लगभग 4% है। और तो और कोरिया जिले की सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक और धार्मिक पौराणिक स्थल कोटाडोल, सीतामढ़ी, हरचौका, पौड़ी और मुरेरगढ़ है। वहीं कोरिया जिला पुराने समय में एक महत्वपूर्ण रियासत हुआ करता था जिसकी स्थापना राजा धारमल शाह ने की थी और यहाँ पर स्थित है एक खूबसूरत रामानुज महल जिसे कोरिया पैलेस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा कोल कैपिटल कोरिया जिले की चिरमिरी को कहा जाता है। वहीं कोरिया जिले को आदिवासियों का आशियाना भी कहा जाता है क्योंकि जिले की कुल आबादी में 50% से भी अधिक के निवासी आदिवासी है। इतना ही नहीं यहाँ के आदिवासी हसमुख मिलन अनुसार के होते हैं जो दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। इसके अलावा कोरिया जिला खासकर अपने प्राकृतिक सुंदरता से भरा जंगलों, पहाड़ियों, झरनों और आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है। वहीं कोरिया जिले की प्रशासनिक मुख्यालय बैकुंठपुर शहर में स्थित है। कोरिया जिले की क्षेत्रफल की बात करें तो तकरीबन ये जिला 5978 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र में फैला हुआ है जहाँ की वर्तमान समय में जनसंख्या 8,15,000 के करीब है जिसमें से 92% हिंदू, 4% मुसलमान, 1% ईसाई और बाकी 3% अन्य समुदाय के लोग हैं। वहीं इस जिले की कुल आबादी में प्रति 1,000 पुरुषों पर 968 महिलाएं हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कहलाता है। वहीं यहाँ की प्रत्येक आबादी 110 प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहती है। कोरिया जिले की 30% आबादी शहरों में निवास करती है और 70% आबादी गांव में रहकर अपनी जीवन यापन करती है। कोरिया जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कोयला एवं कृषि पर आधारित है। वहीं बैकुंठपुर शहर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी नया रायपुर से लगभग 317 किलोमीटर की दूरी पर है और संभाग मुख्यालय अंबिकापुर से लगभग 76 किलोमीटर की दूरी पर है। कोरिया जिले में चलने वाली गाड़ियों की वाहन कोड CG16 है। वहीं कोरिया जिले से 5 प्रमुख नदियां बहती हैं
हसदेव नदी, गोपद नदी, बनास नदी, गज नदी और नेऊर नदी। इसके अलावा कोरिया जिला शिक्षा के दृष्टि से आज के समय में काफ़ी विकसित हो रहा है, जहाँ की कुल साक्षरता दर 72% से भी अधिक है। और यहाँ की शिक्षा संस्थानों को देखें तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोरिया, सरस्वती गर्ल्स कॉलेज मनेंद्रगढ़, मार्गदर्शन संस्थान शिक्षा कॉलेज बैकुंठपुर, गवर्नमेंट विवेकानंद पीजी कॉलेज मनेंद्रगढ़, गवर्नमेंट रामानुज प्रताप सिंह देव पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बैकुंठपुर, गवर्नमेंट लहीदी कॉलेज चिरमिरी, केबी पटेल कॉलेज चिरमिरी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बैकुंठपुर, गवर्नमेंट कॉलेज सोनहट, गवर्नमेंट कॉलेज पटना, गवर्नमेंट कॉलेज जनकपुर, गवर्नमेंट कॉलेज खटगवा, श्रीमती कुंवर बान पटेल गर्ल्स कॉलेज चिरमिरी एवं स्वर्गीय डॉक्टर RNS शिक्षा महाविद्यालय मनेंद्रगढ़ जैसे कई और अन्य शिक्षा संस्थान कोरिया जिले में स्थित है। कोरिया जिले में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाएं सरगुजिया, बघेली, भगोरिया, छत्तीसगढ़ी, हिंदी, कुरुक एवं अन्य है। वहीं कोरिया जिला रेल मार्ग और सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, जहां से आप ट्रेन, बस या प्राइवेट गाड़ियों के जरिए कोरिया जिले के शहरों तक आसानी से पहुंच जाएंगे। वहीं कोरिया जिले की पर्यटक स्थलों की बात की जाए तो यहां पर कई खूबसूरत प्राचीन पर्यटक स्थलें देखने को मिलता है, जिनमें अमृतधारा जलप्रपात, कोटाडोल, हरचौका, छिपछिपी देवी मंदिर, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कोरिया पैलेस, सीतामढ़ी बलेत पहाड़, सीतामढ़ी गुफा, पौड़ी जगन्नाथ मंदिर, मुरेरगढ़, गौरघाट जलप्रपात, जोगी मठ, अकूरी नाला, रामदाह जलप्रपात, समुद्री जीवाशय पार्क, झुमका बांध, नीलकंठ जलप्रपात, चिउल जलप्रपात, नीलम सरोवर पार्क, गेज बांध, घोकसरा जलप्रपात एवं तेलिन धारा जलप्रपात कोरिया जिले की प्रमुख देखे जाने वाला स्थान है। तो मेरे दोस्तों, अगर हमने इस वीडियो में कुछ चीज़ें छोड़ दी हो तो उसके लिए दिल से सॉरी। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।